कारी नो वोट, अगर सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई तो हम युवा वोट नहीं करेंगे, जांच नहीं तो सड़क पे आंदोलित हैं, क्या है मामला? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जिनकी लाश 14 जून को बांद्रा मुंबई के बांद्रा स्थित उनके फ्लैट में पंखे से लटकती हुई लाश मिली है और उसके बाद पुलिस की तहकीकात जो हो रही है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई करे और बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म है, जो भाई भतीजावाद है, जो अंडरवर्ल्ड का प्रभाव है, उसको पूरी तरह से नस्तनाबूद किया जाए और जिस तरह से सुशांत की मौत हुई है, उभरता हुआ सितारा देश का, चमकता हुआ सितारा देश का अवसान हो गया उसका, महज 34 साल अगर उसकी आयु होती तो वो आसमान की ऊंचाई छूता, लेकिन उस समय वो हम लोगों का साथ छोड़ के इस दुनिया को अलविदा कह गया है। हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच करे ताकि कोई नई पौध जो जाए अभिनय के क्षेत्र में तो वह सुशांत सिंह न बने। जिस तरह से सुशांत सिंह के मामले में पुलिस की कार्रवाई हो रही है, मुंबई पुलिस की, हम लोगों को लग रहा है कि मुंबई पुलिस वहाँ शिवसेना और कांग्रेस के दबाव में काम कर रही है। हम सीधा चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो, जांच सीबीआई के जांच के सिवा हम किसी भी मांग पर रुकने वाले नहीं हैं और हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि यह कार्यक्रम सिर्फ सहरसा में नहीं हो रहा है, बिहार के 350 जगहों से ज़्यादा जगहों पर एक साथ यह कार्यक्रम हो रहा है। आज यह आगाज है, यह लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी। हम देश का चक्का जाम करेंगे, हम हर एक प्रांत का चक्का जाम करेंगे, हम हुक्मरानों का जीना हराम कर देंगे। हमको जब तक सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या फिर आत्महत्या, पूरे मामले का पटाक्षेप, पूरे मामले को सही तरीके से जब तक उद्भेदन नहीं होगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम सुशांत सिंह को न्याय दिलाए बिना रुकने वाले नहीं हैं। हम बॉलीवुड को जला देंगे, हम खाक में मिटा देंगे, हम ठाकुर हैं, हम जला के खाक कर देंगे। क्या नाम है? दादा ठाकुर।